धरती अब भी घूम रही है। आयु नीना की 10 वर्ष की भी नहीं थी, लेकिन बुद्धि काफ़ी प्रौढ़ हो गई थी, जैसे कि अक्सर मातृहीन बालिकाओं के साथ होता है। बुजुर्गों ने उनके लिए आयु का बंधन ढीला कर दिया था। इसीलिए जब उसने सुना कि कुछ दूर पर सोया हुआ उसका छोटा भाई सुबक रहा है, तो वह चुपचाप उठी। एक क्षण भयातुर दृष्टि से चारों ओर देखा, फिर उसके पास आकर बैठ गई। किसी तरह रुलाई रोककर उसने धीरे से पुकारा, कमल, ओ कमल। कमल 8वें वर्ष में चल रहा था। उसके छोटे से खटोले पर एक फटी सी दरी बिछी थी, उस पर वह लेटा था गुड़मुड़। पैर उसने पेट से सटा रखे थे और मुंह को हाथों से ढक रखा था। रह रहकर उसका पेट से कुड़ता और सुपकियां निकल जाती। उसने बहन की पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। नीना भी इतनी सहमी हुई थी कि दूसरी बार पुकारने का साहस न बटोर पाई। चुपचाप कमर सहलाती रही, देखती रही। कई क्षण बीत गए तो उसे सीधा करके उसका मुंह अपने दोनों हाथों में ले लिया। तब उसकी आंखें डगमगा गई और आंसू ढलक कर कमल के मुख पर गिरे। जी जी, नीना ने चौंक कर कहा, तू जाग रहा था रे? नींद नहीं आती जी जी, पिताजी कब आएंगे? जी जी, पिताजी के पास चलो। पिताजी? हाँ जी जी, पिताजी के पास चलो। आज मुझे मौसी जी ने मारा था जी जी, गिलास तोड़ा तो प्रदीप ने और मारा हमें। यहाँ से चलो। आज मौसी जी ने हमें बस रोटी दी, सारा हलवा प्रदीप और रंजन को दे दिया और हमें बस खुरचन दिया। पिताजी जेल में क्यों बंद है? वहाँ पिताजी को रोटी कौन खिलाता है? हम वहाँ क्यों नहीं रहते? प्रदीप कहता था मेरे पिताजी चोर हैं। एक बार की अपने को धोखा देती हुई नीना जोर से बोल उठी, प्रदीप झूठा है। और कहकर अपनी ही आवाज़ पर भैंसे थर थर काँप गए। उसने कमल को जोर से खींच लिया। कमल को लगा जैसे जीजी बड़े जोर से हिल रही थी, हिलती ही जा रही थी। उसने घबरा कर कहा, जीजी जीजी क्या है, तुम्हें बुखार आ गया क्या? चुप चुप, मौसी आ रही है। कोई उठकर जल्दी जल्दी उनके पास आया और कड़क कर पूछा, क्या है, क्या है नीना? कमल क्या है रे? ओहो, भाई से लाड़ लड़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ नीना, तू यहाँ क्यों आई? बड़े बेचारे गहरी नींद में सोए हैं, अभी तो बड़ी गुटर गुटर मेरी शिकायत हो रही थी, जैसे मैं जानती ही नहीं। हाय रे मेरी किस्मत, बहन तू खुद तो मर गई पर मुझे इस नरक में छोड़ गई। तभी मौसा हड़बड़ा कर उठ बैठे, पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? हुआ मेरा सिर, दोनों भागने की सलाह कर रहे हैं। कौन भागने की सलाह कर रहा है? नीना, कमल। अरे कुछ लिया तो नहीं? अलमारी की चाबी तो है ना, रात ही तो 500 रुपये लाकर रखे थे। बोलती क्यों नहीं? क्यों रे नीना, कहाँ है रुपये? बोलते बोलते मौसा उठकर वहाँ से आ गए, जहाँ दोनों बच्चे एक दूसरे से सिमटे सक पकाए कबूतर की तरह आंखें बंद किए पड़े थे। मौसी ने तुनक कर कहा, क्या पता क्या क्या निकाले, यह तो मेरी आंखें खुल गई। और फिर झपट कर नीना को उठाते हुए कहा, चल अपनी खाट पर, खबरदार जो पास हुए। बाप तो आराम से जेल में बैठा है, मुसीबत डल गया हमारे सर। ना लाती तो दुनिया मुंह पर थूकती, बहन के बच्चे थे, शहर की शहर में आंखों में लिहाज ना आई। लेकिन कहने वाले को यह नहीं देखता कि हमारे घर में कौन सा सोना चांदी की खान है, क्या खर्च नहीं होता, पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है और फिर बच्चों की खुराक बड़ों से कम नहीं है। भले ही चचेरी बहन थी, है तो बहन के ही बच्चे ना। हाँ बहन के बच्चे हैं, तभी तो बहनोई साहब को रिश्वत लेने की सूझी। और रिश्वत भी क्या थी, 20 रुपये की। वह अभी लेनी नहीं आई, वहीं पकड़े गए। मैं रात 500 लाया हूँ, कोई कह दे साबित कर दे। इतनी बुद्धि होती तो अब तक क्या तीसरे दर्जे का क्लर्क बना रहता। और मज़ा यह कि अब मैंने कहा कि 300-400 रुपये का प्रबंध कर दे, तुझे छुड़ाने का जिम्मा मेरा, तो सत्यवादी बन गए, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा तो ली क्यों थी, और लेते तो तमी से लेते। मैं तो, मौसी ने सहसा धीमे पड़ते हुए कहा, चुप भी करो, रात का वक्त है, आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। काफ़ी देर बड़बड़ाने के बाद जब वे फिर से सो गए तो दोनों बालक तब भी जागते पड़े थे, आंखों की नींद
आंसू बनकर उनके गलों पर जमती जा रही थी और उनके धुंधले पर्दों पर बहुत से चित्र अनायास ही उभरते आ रहे थे। एक चित्र मौसी का था जो उन्हें रोते रोते घर लाई थी और वह प्रेम दर्शाया था कि वे भी रो रो कर पागल हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए प्यार घटता गया, दया बढ़ती गई। दया ऊंच नीच और दंभ की जननी है, उसने उन्हें आज पशु से भी तिरस्कृत बना दिया। एक चित्र मौसा का था जो तीसरे चौथे बहुत से नोट लेकर आते थे और उन्हें लक्ष्य करते करते कहते, मैं कहता हूँ रिश्वत ली तो दी क्यों नहीं, अरे 300 देने पड़ते तो 500 बटोरने का मार्ग भी तो खुलता। एक चित्र पिता का था, पिता जो प्यार करता था, पिता जिसने रिश्वत ली थी, पिता जिसे जेल में बंद हुए 2 महीने बीत चुके थे और अभी 7 महीने शेष थे। नीना ने सहसा दोनों हाथों से मुंह भींच लिया। पिताजी अब नहीं सहा जाता, मौसा तुम्हारे कमल को पीटते हैं। पिताजी तुम आ जाओ, अब हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अब हम बढ़िया कपड़े नहीं पहनेंगे, तुमने रिश्वत क्यों ली। इस प्रकार सोचते सोचते उसकी बंद आंखों के अंधकार में पिता की मूर्ति और भी विशाल हो उठी। एक अधेड़ व्यक्ति की मूर्ति जिसकी आंखों में प्यार था, जिसकी वाणी में मिठास थी, जिसने दोनों बच्चों को नए स्कूल में भर्ती करवा रखा था, जहां उन्हें कोई मारता झिड़कता नहीं था, जहां नाश्ता मिलता था और घर में पिता उनके लिए खाना बनाता था, अच्छी अच्छी किताबें लाता था, फल लाता था। उनकी माँ के मरने पर उसने दूसरी शादी तक नहीं की थी। नीना ने ये सब बातें पड़ोसियों के मुँह से सुनी थी। पड़ोसिन कहती, उसका खर्च बहुत था और आमदनी कम, वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता था और तुम जानो अच्छी शिक्षा बहुत महंगी है। महंगी महंगी थी तो उसने रिश्वत ली, महंगी होना क्या होता है, और अब पिता कैसे छूटेंगे। मौसा कहते हैं जज को रिश्वत देते तो छूट जाते। एक जज ने 3,000 लेकर डाकू को छोड़ दिया था, एक आदमी जिसने एक औरत को मार डाला था उसे भी जज ने छोड़ दिया था, 5,000 लिए थे। 5,000 कितने होते हैं, 100,000, 10,00,000, ये कितने होते हैं। मौसा कहते थे रिश्वत और तरह की भी होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए में अव्वल कर दिया था क्योंकि वह खूबसूरत थी। नीना ने सहसा दृष्टि उठाकर आसमान में देखा। उसकी सुबकियाँ अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी और वह बड़ी गंभीरता से सुनी सुनाई बातों को याद कर रही थी, पर समझ में उसकी कुछ नहीं आ रहा था। खूबसूरत होना भी क्या रिश्वत है, मौसा कहते हैं कि गंजे हकीम के पास खूबसूरत लड़की भेज दो और कुछ भी करा लो। खूबसूरत लड़की और रुपया, रुपया और खूबसूरत लड़की, इन्हें लेकर जज और हकीम काम क्यों कर देते थे। और खूबसूरत लड़की का वे क्या करते हैं, काम करवाते होंगे, पर काम तो सभी करते हैं, फिर खूबसूरत लड़की ही क्यों। और मौसा बहुत से रुपए लाते हैं पर लड़की कभी नहीं लाते। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन इसी उधेड़ बुन में रात न जाने कहाँ चली गई। एकाएक मौसी की पुकार ने उसकी तंद्रा को तोड़ दिया। हड़बड़ा कर आँखें खोली तो मौसी कह रही थी, नीना ओ नीना, अरे उठेगी कि नहीं, 5 बज गए हैं। दोनों भाई बहन कुंभकर्ण से बाजी लगाकर सोते हैं, चल जल्दी चौका बर्तन करना है, मैं आती हूँ। नीना ने अब अंगड़ाई लेने का नाट्य किया। वह कमल के पास गई और बड़े प्यार से कान से उसका मुंह लगाकर पुकारा, फिर उत्तर की प्रतीक्षा ना करते हुए उसे कौली में समेटकर नीचे लिए चली गई। और जब 2 घंटे बाद मौसी नीचे उतरी तो स्तंभ रह गए। रसोई घर जैसे दूध में धोया हो, बर्तन चांदी से चमचमा रहे थे। बार बार अविश्वास से आंखें मलकर ठगी सी मौसी बोली, आज क्या बात है नीना। अब कुछ नहीं मौसी, नीना ने सक पका कर उत्तर दिया। कुछ नहीं कैसे, ऐसा काम क्या तू रोज करती है, कमल ने एकदम कहा। मौसी आज पिताजी आएंगे। पिताजी? हाँ जीजी कहती थी।
मौसी ने अविश्वास और आशंका से ऐसे देखा कि कमल सहम कर पीछे हट गया। कई क्षण तक स्तंभ वातावरण रहा, फिर जिसे जाग कर मौसी बोली, तो क्या बात है, बाप के स्वागत के लिए रसोई घर सजाया गया है? हाँ, पर रानी जी अभी तो पूरे 7 महीने बाकी हैं। वाह रे, बाप के लिए दिल में कितना दर्द है। नीना की काया एकाएक पीली पड़ गई। अग्नि नेत्रों से कमल की ओर देखती हुई वह वहाँ से चली गई। उस दृष्टि से कमल सहम गया, पर उसे अपने अपराध का पता तब लगा जब वो हो चुका था। स्कूल जाते समय रास्ते में नीना ने इस अपराध के लिए कमल को खूब डांटा। इसी समय वहाँ से कुछ दूर एक सुसज्जित भवन में मुक्त अट्टहास गूंज रहा था। छोटे जज आज विशेष प्रसन्न थे। उनकी छोटी पुत्री मनमोहिनी को कमीशन ने सांस्कृतिक विभाग में डिप्यूटी डायरेक्टर के पद के लिए चुन लिया था। मित्र बधाई देने आए हुए थे। यद्यपि बकायदा चाय पार्टी का कोई प्रबंध नहीं था, तो भी मेज पर अच्छी भीड़ भाड़ थी। अंग्रेज लोग चाय पीते समय बोलना पसंद नहीं करते थे, पर भारतवासी के अभी भी उनके गुलाम हैं। लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। मनमोहिनी ने चाय बनाते हुए कहा, मुझे तो बिल्कुल आशा नहीं थी, पर सचिव साहब की कृपा हो तो क्या कहूँ। सचिव साहब बोले, मेरी कृपा? आपको कोई ना तो कह दे, आपकी प्रतिभा। डायरेक्टर कह उठे, हाँ इनकी प्रतिभा, सांस्कृतिक विभाग तो है ही नारी के प्रतिभा का क्षेत्र। सचिव साहब के नेत्र जैसे विस्फुरित हो गए। प्याले को ठक से मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा, क्या बात कही है आपने, संस्कृति और नारी दोनों एक ही हैं। नाट्य, नृत्य, संगीत और कविता और प्रचार, अरे नारी से अधिक प्रचार कर पाया है कोई? इसी समय बैरे ने आकर सलाम झुकाई। बैरे ने कहा, दो बच्चे हजूर से मिलने आए हैं हमसे। छोटे न्यायमूर्ति अचकचा कर बोले, जी किसके बच्चे हैं? मालूम नहीं, भाई बहन है, गरीब जान पड़ते हैं। अरे तो बेवकूफ, कुछ दे दिवाकर लौटा दिया होता। बहुत कोशिश की, पर वे कुछ मांगते ही नहीं, बस आपसे मिलना मांगते हैं। छोटे न्यायमूर्ति क्रोध से तेजी से उठे, मुख उनका विकृत हो आया, पर न जाने क्या सोचकर वे फिर बैठ गए। कहा, आज खुशी का दिन है, ले आओ बच्चों को। दो क्षण बाद बुरी तरह सहमे सकपकाए जिन दो बच्चों ने वहां प्रवेश किया वे नीना और कमल थे। आंसुओं के दाग अभी गालों पर शेष थे। एक साथ सबने उनको देखा, जैसे मदिरा के प्याले में मक्खी पड़ गई हो। छोटे नए मूर्ति ने पूछा, कहां से आए हो? जी जी, नीना ने कहना चाहा, पर मुंह से शब्द नहीं निकले। और बावजूद सबके आश्वासन के वे कई क्षण हतप्रभ, विमूढ़, आपलक देखते ही रहे, बस देखते ही रहे। आखिर मनमोहिनी उठी, पास आकर बोली, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर हैं। इन शब्दों में न जाने क्या था, नीना को जैसे करंट छू गया। एक बार ही दृढ़ कंठ से बोल उठी, आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दें। कमल ने उसी दृढ़ता से कहा, हमारे पास 50 रुपये है, आपने 3,000 लेकर एक डाकू को छोड़ा है। नीना बोली, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं, महंगाई बढ़ गई थी, उन्होंने बस 20 रुपये की रिश्वत ली थी। कमल ने कहा, रुपए थोड़े हो तो मैं एक दो दिन आपके पास रह सकती हूँ। नीना बोली। कमल ने कहा, मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं। रटे हुए पार्ट की तरह एक के बाद एक जब वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे, तो ना जाने हमारे कथाकर को क्या हुआ, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती सूर्य की चुंबक शक्ति से अलग हो रही है। लेकिन ऐसा होता तो आज हम यहाँ पुंशज लिखने के भाग ही रहते। धरती अब भी उसी तरह घूम रही है।